हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय मैथ्स जंक्शन। आज हम करेंगे क्लास 8 के चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2। ये एक्सरसाइज हमारी लास्ट वीडियो से स्टार्ट हुई है। हमने लास्ट वीडियो में स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस करे थे। इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हम स्टार्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन से। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3 इफ़ दे डिफर बाई 18, वट आर द नंबर्स। दो नंबर्स हैं जिनकी रेशियो क्या है, 5:3। दो नंबर्स दिए हुए हैं 5:3 में, और उन दो नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 18 का है। मीन्स अगर वो नंबर्स 5:3 हैं, मतलब अगर वो नंबर को फ्रैक्शन में रखा गया होगा तो वो किसी कॉमन नंबर से कट कर 5/3 की फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए होंगे। मतलब उनको एक कॉमन नंबर से कट करा गया होगा। तो जिस कॉमन नंबर से कट करा गया वो हमें नहीं पता और ना वो हमें नंबर्स पता। तो नंबर्स क्या बन जाएंगे, लेट द नंबर्स बी 5x एंड 3x। जैसे कि अगर आप मान लीजिए बाय चांस नंबर 25 और 15 है, 25 और 15 है, अगर मैं इनको 5 से काट दूँ तो रेशियो क्या आ जाएगी, 5:3 आ जाएगी। 5 से कट रहे हैं दोनों, तो मेरे पास 5:3 आ जाएगी। अब मुझे वापस इस रेशियो से इन नंबर्स पर जाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे मैंने इनको कट किया था। तो मैंने इन्हें 5 से कट किया तो मैं ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो वापस वही नंबर्स आ जाएंगे। इसलिए हम मान रहे हैं कि जिस नंबर से वो एक्चुअल नंबर्स कट हुए हैं वो x है। तो रियल नंबर्स क्या बन जाएंगे, 5x और 3x। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है, 18 है। मींस 5x-3x = 18 है। देन 5x-3x = 2x = 18 एंड x = 18/2, दैट इज x = 9। अब यहाँ x की वैल्यू 9 आ गई तो हमारे नंबर्स क्या बन जाएंगे, सो द फर्स्ट नंबर भी 5×9, दैट इज़ 45 एंड द सेकेंड नंबर 3x है तो 3×9 एंड दैट इज़ 27। हमारे नंबर्स क्या बन गए, 45 एंड 27। आपको जब भी कोई भी नंबर किसी भी क्वेश्चन के अंदर रेशियो में दिए जाएं, कोई भी दो नंबर का पर रेशियो गिवन हो, तो आप उसको उसके हर एक्स की फॉर्म में लेट कर लीजिए। जैसे कि अगर 2:3 गिवन है, 5:4 गिवन है, तो ये क्या बन जाएंगे, 5x एंड 4x। एक्चुअल नंबर्स जो बनेंगे वो 5x और 4x बन जाएंगे, क्योंकि रेशियो कैसे आती है, किसी एक कॉमन नंबर से कट करने पे आती है। नाउ लेट्स डू द सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51, वट आर दीज इंटीजर्स। सबसे पहले तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जो लगातार आ रहे हैं। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स कॉन्टीन्यूसली आ रहे हैं, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, वो नंबर्स जो लगातार आ रहे हैं। अगर मैं कहूँ 2 की मल्टीपल, कॉन्जिक्यूटिव 2 के मल्टीपल्स, तो क्या बन जाएंगे, 2, 4, 6, मतलब 2 की टेबल में आने वाले लगातार नंबर 2, 4, 6, 8, ऑल दीज आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब इसमें ऐसे ही बोला हुआ है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं जिनको प्लस करके क्या आ रहा है, 51 आ रहा है। सो लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x। हम पहले इंटीजर को क्या मान लेते हैं, हम यहाँ इंटीजर फर्स्ट इंटीजर को हम यहाँ x मान लेते हैं, कि जो भी इन्होंने कहा है कि 3 शुरू के इंटीजर्स लेने, मतलब मीन्स 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लेने, तो फर्स्ट इंटीजर हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा, जब x है तो उसके बाद कौन सा इंटीजर आ रहा होगा, x+1 आ रहा होगा। हमेशा कैसे होती है काउंटिंग्स, 1, 1+ होते हुए। तो थर्ड इंटीजर क्या होगा, x+2। थर्ड इंटीजर भी x+2। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या कह रहा है कि तीनों इंटीजर्स का सम क्या है, 51। सो x+x+1+x+2 तीनों इंटीजर्स का सम क्या है, 51। सो इट विल बी 3x+3x, 3x+3 = 51। तो ये क्या बन जाएगा, 51 - 3, 3x = 48, 48/3। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 एंड देट 16। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 16 आ गई। सो फर्स्ट नंबर हमारा क्या बन गया, 16।
सेकेंड नंबर 17 एंड थर्ड नंबर 18। जब भी आपको लगातार कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बोले जाएं कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं या कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं, कुछ भी हैं, तो आप फर्स्ट नंबर को क्या मान लीजिए x, देन सेकंड विल बी x प्लस 1 एंड थर्ड विल बी x प्लस 2। ओके, अब ऐसे ही सेवन्थ क्वेश्चन है। सेवन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, फाइंड द मल्टीपल्स। 8 के थ्री कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं, मतलब 8 के टेबल में आने वाले तीन लगातार मल्टीपल्स उन्होंने लिए हैं। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो 8 के टेबल में कैसे आ रहे होंगे, 8 वनजा, 8 टूजा, 8 थ्रीजा, मतलब 8 के टेबल में आने के लिए वो 8 से मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। अब 8 से कोई एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अब 8 के मल्टीपल मीन्स जैसे 8, 16, 24, 32, 40, 48, इस तरीके से लगातार तीन ले रहे हैं। तो हम क्या मानेंगे, लेट द फर्स्ट मल्टीपल भी 8x, 8 के टेबल का है तो 8x 8 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा ज़रूर। एंड द सेकंड मल्टीपल भी, अब 8x है तो जो 8 की टेबल का सेकंड नंबर जो होगा तो उसमें क्या होगा, इसी में 8 प्लस हो रहा होगा। टेबल में क्या होता है, उतनी जिसकी टेबल है उतनी डिजिट्स का गैप होता है। 8 की टेबल है तो हर डिजिट के बीच में 8 डिजिट का गैप होगा। फर्स्ट 8x है तो सेकंड डिजिट क्या होगी, 8x प्लस 8, 8 डिजिट उससे ज़्यादा होगी। एंड द थर्ड मल्टीपल भी 8x प्लस 16, अब इस वाले से 8 ज़्यादा होगी। अब वो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन तीनों इन मल्टीपल्स का सम क्या है, 888। तो मीन्स 8x प्लस 8x प्लस 8 प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू में 888। तो क्या बन जाएगा, 8 16 और ये 24x प्लस 24 इज इक्वल टू 888। तो अब 24 उस तरफ जाएगा तो माइनस 24, तो ये क्या बन गया, 864 इज इक्वल टू 24x, तो x इज इक्वल टू 864 अपॉन 24। यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो उस तरफ जाकर डिवाइड। तो अब हम इसे कट कर देते हैं, पहले हम इसको 4 की टेबल से कट करके देख लेते हैं। तो ये क्या बन रहा है, 6 एंड 2, 1 एंड 6। अब हम इसको 6 के टेबल से अगर तुम दोबारा काट के देखें तो ये क्या बन रहा है, 6 18 एंड दिस 36 6। तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 36। सो फर्स्ट मल्टीपल हमारा क्या बन रहा होगा, फर्स्ट मल्टीपल इज 8x, मीन्स 8 मल्टीप्लाई 36। तो क्या हो गया, 8 5 48 4 288। इसी तरीके से सेकंड मल्टीपल हमारा क्या हो जाएगा, अब वो क्या कह रहा है, 8x प्लस 8 8x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, तो 288 प्लस 8 हमारा क्या बन जाएगा, दिस इज 296। एंड द थर्ड मल्टीपल विल बी 296 प्लस 8, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 304। तो मींस हमारे थ्री कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या बने, 288, 296 एंड 304, जिनको प्लस करके हमारा क्या आ रहा है, 888। इसी तरीके से एट्थ क्वेश्चन है। एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 8, थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली दे ऐड अप टू 74, फाइंड दीज नंबर्स। हमने थ्री लगातार इंटीजर्स लिए, तो इंटीजर्स क्या होंगे, लेट द कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बी जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में लिए थे, लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में, सिक्स क्वेश्चन में x, x प्लस 1 एंड x प्लस 2, ऐसे यहाँ लेंगे। लेट द कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बी x, x प्लस 1 एंड x प्लस 2। वो क्या कह रहे हैं, इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लो, मतलब बढ़ते हुए उसमें लो। तो ये सबसे छोटा होगा, छोटे वाले में जब प्लस हो रहा है तो वो नेक्स्ट वाला ऑटोमेटिकली बढ़ा ही होगा। अब वो क्या कह रहा है कि हमने इन तीनों नंबर्स को 2 से 3 से और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया रिस्पेक्टिवली। मीन्स रिस्पेक्टिवली मतलब फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकंड टू सेकंड एंड थर्ड टू थर्ड। तो मतलब फर्स्ट नंबर क्या है, x, तो ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, 2 से, तो ये क्या बन गया, 2x। सेकंड नंबर 3 से मल्टीप्लाई, देन 3x प्लस 1 एंड थर्ड नंबर 4 से, तो 4x प्लस 2। अब आपको ये ध्यान रखना है, ये पूरा नंबर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस पूरे को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ x को 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको इस तरीके से लिख देते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा तो इसे 3x प्लस 1 लिख देते हैं,
ओके ना, आपको सिर्फ x से मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको पूरे से मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट बनाएंगे आप, पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 3 बनेगा। पहले इससे मल्टीप्लाई और फिर इससे मल्टीप्लाई। ओके, अभी क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इन तीनों को प्लस करके हमारा क्या आ रहा है, 74 आ रहा है। मीन्स 2x प्लस 3x प्लस 1 प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 74। अब हम पहले इसको मल्टीप्लाई करके ओपन कर लेते हैं, देन इट विल बिकम 3x प्लस 3 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 74। तो ये क्या बन गया, 4 5 6 7 8 9 9x प्लस 8 9 10 11 इज इक्वल टू 74। तो ये क्या बन जाएगा, 74 माइनस 11 तो इट विल बिकम 63 एंड x 63 अपॉन 9 देन इट विल बिकम 7। नंबर्स विल बी, नंबर्स क्या होंगे, सो द नंबर्स विल बी 7 8 एंड 9। अब आपके जो x की वैल्यू आई है वो आप इसमें पुट करेंगे जो आपने लेट किया है, x प्लस 1 और x प्लस 2, इसमें नहीं पुट करेंगे 2x 3x प्लस 1 और 4x प्लस 2 में, क्योंकि ये हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करा, ये हमको क्वेश्चन में करने को कहा गया था इसलिए हमने करा। बट जो रियल नंबर्स थे, जो उन्होंने कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लिए थे, वो मेन x, x प्लस 1 और x प्लस 2 थे। ये हमने मल्टीप्लाई किया क्योंकि क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी इसलिए। ऐसे ही हम देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, द एजेस ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशियो 5:7। 4 ईयर्स लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर्स, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। राहुल और हरून की जो एजेस हैं वो रेशियो में है 5:7 में है। 4 साल बाद, अब से 4 साल बाद उनकी जो एज है उनका सम क्या हो गया है, 56 है। तो ये बताइए इस वक्त उनकी एज क्या है, मीन्स प्रेजेंट एज उनकी क्या है। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, जब हमने फिफ्थ क्वेश्चन किया था रेशियो वाला, जब भी आपको कोई चीज़ रेशियो में दी जाए तो हम इसे क्या मान लेंगे, उसके साथ हम x मतलब वेरिएबल कोई भी मान के मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। सो लेट द एज ऑफ राहुल एंड हरून बी 5 5 एंड 7 y। अब मैं यहाँ पर वेरिएबल y लेके चल रही हूँ, आप x भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने बोला 5 y एंड 7 y। जब भी आपको एज का क्वेश्चन आए तो बच्चे ज़्यादातर एज के क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसके लिए आप एक टेबल ड्रॉ कर लीजिए, चाहे रफ में कर लीजिए चाहे फेयर में, छोटी सी टेबल ड्रॉ कर लीजिए। टेबल बनाने से ये होता है कि एज के क्वेश्चंस आपके लिए थोड़े ईजी बन जाते हैं। सबसे पहले आपको कितने जने दिए गए हैं, 2 जने दिए हैं। दोनों का नाम आप ऊपर लिख लीजिए, राहुल एंड हरून। अब यहाँ लिख लीजिए कि वो कब कब किस किस टाइम की बात कर रहे हैं। सबसे पहले वो प्रेजेंट की टाइम की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट में उनकी एज क्या है, 5 y और 7 y। अब वो कह रहा है 4 साल बाद उनकी एज, तो 4 साल बाद उनकी एज होगी, तो यहाँ लिख लीजिए 4 ईयर्स लेटर, 4 साल बाद। अब 4 साल बाद किसी की एज क्या होगी, मान लिया अभी किसी कोई 10 साल का बच्चा है, तो 4 साल बाद वो 4 साल बाद वो कितने साल का होगा, 14 ईयर्स का होगा। कोई बच्चा अभी 2 साल का है तो 4 साल बाद वो कितने साल का होगा, 6 साल का होगा। जैसे हर साल बच्चे की एज 1 ईयर बढ़ती है, तो अगर वो कोई इंसान अभी 5 y का है तो 4 साल बाद कितने का होगा, 5 y प्लस 4। और ऐसे ही 7 y प्लस 4, 4 साल बाद उनकी ये एज हो जाएगी। अब वो कह रहे हैं 4 साल बाद उन दोनों की एज का सम, मतलब इन वाली एज का सम किसके इक्वल है, 56 के इक्वल है। मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 y प्लस 4 प्लस 7 y प्लस 4 इज इक्वल टू में 56। तो ये क्या बन जाएगा, 5 and 7 12 y plus 8 इज इक्वल टू में 56। तो 12 y इज इक्वल टू 56 माइनस 8 इट विल बिकम 12 y इज इक्वल टू में 48। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 48 अपॉन 12। यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड, ये कट के वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 आ गई। तो अब हमें उन्होंने बोला है कि उनकी प्रेजेंट एज बताएं, प्रेजेंट एज क्या थी, 5 y और 7 y। तो अब इनकी प्रेजेंट एज क्या बनेगी, सो द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, हम पहले राहुल की एज निकालते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इज 5x, तो 5 y। अब हम y की जगह क्या पुट करेंगे, 4, तो 5 into 4 is 20। तो मतलब इस वक्त राहुल कितने साल का है, 20 ईयर्स का है, 20 सालों का है। और इस वक्त हरून कितने सालों का है, हरून से एज इज 7 y, मीन्स 7 multiply 4 एंड 7 4 जार 28 ईयर्स, मतलब वो इस वक्त कितने सालों का है, इस वक्त वो 28 ईयर्स का है। सो नाउ द 10th क्वेश्चन इज, अब वो 10th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द
The number of boys and girls in a class are in the ratio 7:5. The number of boys is 8 more than the number of girls. What is the total class strength? एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स की जो रेशियो है वो 7:5 है, लेकिन जो बॉयज़ हैं वो गर्ल्स से कितने ज़्यादा हैं? 8 ज़्यादा हैं। मतलब अगर एक लड़की है तो बॉयज़ कितने होंगे? 9 होंगे। मींस 8 ज़्यादा हैं। अगर 2 गर्ल्स हैं तो बॉयज़ कितने होंगे? 10 होंगे। 8 ज़्यादा हैं। अब उनकी रेशियो दी हुई है तो हम उन्हें क्या मान लेंगे? उनके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई करेंगे। लेट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास आर 7:5 है, तो 7x एंड 5x। अब वो क्या कह रहा है कि जो बॉयज़ हैं, दिस इज द, ये बॉयज़ हैं और ये गर्ल्स हैं, कि जो बॉयज़ हैं वो गर्ल्स से 8 ज़्यादा हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं गर्ल्स में 8 प्लस करूँ तो वो किसके इक्वल होगा? बॉयज़ के इक्वल होगा। बॉयज़ गर्ल्स से 8 ज़्यादा हैं, तो गर्ल्स में मेरे को 8 प्लस करना पड़ेगा। गर्ल्स में मैं 8 प्लस करूँगी तो विल बी इक्वल टू बॉयज़। या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो डायरेक्ट कि उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। उन दोनों के बीच में डिफरेंस 8 का है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्टली कि 7x-5x = 8। जैसे भी हमने पीछे एक क्वेश्चन किया था पहला, कि उनके अंदर जो रेशियोज़ होती हैं उनके रेशियोज़ में जो एक्चुअल नंबर्स हैं उनका डिफरेंस क्या है? 18 है। तो ऐसे ही ये है कि आप यहाँ पर डायरेक्ट 8 भी लिख सकते हो कि जो दोनों में डिफरेंस है वो 8 का है, तो 7x-5x = 8। और आप ऐसे भी लिख सकते हो कि गर्ल्स में मैं 8 प्लस करूँ तो विल इक्वल टू बॉयज़। आंसर दोनों से सेम आएगा, इक्वेशंस दोनों ही सेम ही हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या बनेगा, एक्स एक्स वाला एक तरफ ले लेते हैं, 5x-7x = -8, तो इट विल बिकम -2x-8। माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स की वैल्यू 8/2 दैट इज 4। और यहाँ से भी क्या आएगी, 7-5x = 8, x = 4। आंसर दोनों से सेम आएगा, बस इक्वेशन बनाने का तरीका है कि आपको किस तरीके से इक्वेशन आप इजीली बना पा रहे हैं, इजीली फॉर्म कर पा रहे हैं। अब x की वैल्यू क्या आ गई, 4, तो मींस जो बॉयज़ हैं वो कितने थे, 7x, मींस 7 × 4 दैट इज 28, एंड गर्ल्स इज 5x, दैट मींस 5 × 4 दैट इज 20। ओके स्टूडेंट्स, तो हम ये एक्सरसाइज 2.2 के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं, 4 लास्ट वीडियो में और 6 आज की वीडियो में। अगर आपने लास्ट की वीडियो ना देखी हो तो आप वो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट हो इक्वेशन बनाने से, या किसी भी आपको कोई सेंटेंस दिया हुआ है कि इसकी इक्वेशन कैसे बनाएं, तो आप अपना डाउट मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप अपना डाउट मुझे मेल कर सकते हैं। चैनल स्टडी 27@gmail.com पर। थैंक यू।